देखिए मुंबई जो है या जो महाराष्ट्र में जो हुआ जो गठबंधन चल रहा है कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी की जो सरकार है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और ऐसे हालात में जबकि बीजेपी इतनी ताकतवर पार्टी के तौर पे पूरे देश में है, इवन महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ सरकार में थे और दोनों अभी भी अगर मिलते हैं तो सरकार बनती है। लेकिन वो शरद पवार की वो काबिलियत है कि बीजेपी से शिवसेना को अलग करके एक सरकार खड़ा कर दी और लोगों को लगा कि जैसे ये सरकार चलेगी नहीं। कई लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि बहुत जल्दी अंतर विरोध उनके जो है जो पार्टियों के बीच में, चूंकि एकदम विपरीत ध्रुव वाले पार्टी है, वो कैसे सरकार में रहेंगे। लेकिन 2 साल से यहाँ सरकार चल रही है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है यहाँ महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है। और ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि बीजेपी बड़ी ताकतवर पार्टी विपक्ष में बड़ी ताकतवर होकर के भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रही है, सरकार के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं लेके आ पा रही है कि जिससे सरकार की आलोचना हो। भले ईडी इनकम टैक्स सारे सिस्टम को लगाया हुआ हो उसने, लेकिन बावजूद इसके अब देख लीजिए कि जो सरकार है उसके 2 मंत्री, एक तो ऑलरेडी है जेल में, एक और जेल गए भेजे गए हैं और पता नहीं किन किन को भेजे जाने की तैयारी चल रही है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी तीनों गठबंधन के जो दल है वो एकजुट है। तो ये पूरे देश के लिए एक मुझे लगता है टॉर्च बेरर का काम कर रहा है कि देश में ऐसे ही बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनानी पड़ेगी। अब जहां तक ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी अभी गोवा में जिस तरह से वो आई या जिस तरह से उन्होंने पहल की, ओरिजिनल पार्टी के तौर पर नहीं कर रही है, वो एक नेशनल पार्टी बनना चाह रही है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम लीड ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है पद गद्दी सत्ता। और जितने रीजनल पार्टियां हैं बिल्कुल, हालांकि जो पाठक साहब ने जो कहा उनकी बात से थोड़ी बात से मैं सहमत हूं कि जनता अगर चाह रही है कि महंगाई मुद्दा न बने, जनता अगर चाह रही है रोजगार और शिक्षा मुद्दा न बने, तो हम क्यों बात करें उस पर, सरकार कांग्रेस क्यों उस पर बात करें। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखता हूं कि जनता क्या है, जनता कौन है और जनता को जो हम देख रहे हैं वो किसके माध्यम से देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जिस जनता की हम बात कर रहे हैं उसको हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और मीडिया जिस तरह के जनता को पोर्ट्रे कर रही है, हमारे सामने ला रही है, वो जनता फैब्रिकेटेड जनता है, प्लांटेड जनता है। वो उन्हीं लोगों के बीच आती है मीडिया जो बीजेपी समर्थक लोग हैं या जो कहिए जो हिंदू समर्थक लोग हैं। तो इस देश में जो हिंदू मुसलमान का जो बड़ी गहराई से हर तरीके से जो बंटवारा किया जा रहा है, वो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है उसका एक बड़ा उदाहरण है कि उस फिल्म एक मीडियोकर फिल्म, इतना बड़ा हर जगह उसका उसका जो डंका बज रहा है, हर जगह उसकी जो है 200 करोड़ से ऊपर उसने कमा लिया और उसके सामने बड़ी फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई है ना, तो दूसरी फिल्मों की आज चर्चा नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि सिनेमा जो है इस देश में क्रांति हो गई है, बदलाव का मैटर बन गया सिनेमा है ना, अब सिनेमा बदलाव लाएगा। अब जब मोदी जी कहते हैं कि 32 साल पहले जो घटना हुई थी उनको फिल्म के माध्यम से पता चलता है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है राजनीति के लिए और सिनेमा के लिए भी कि अब सिनेमा को निशाना बनाना चाह रहे हैं। सिनेमा में जान लीजिए दीपक भाई यहाँ रहे हैं बॉम्बे में लंबे समय तक, कि सिनेमा एक धर्मनिरपेक्ष सिस्टम है, सिनेमा में हर तरीके के लोग काम करते हैं, पूरे देश के लोग काम करते हैं, हिंदू मुसलमान गरीब अमीर हर तरीके के लोग काम करते हैं। और लेकिन इस बार वो ढांचा भी गड़बड़ाया है। अभी आज ही मैंने देखा कि देखिए अजय ब्रह्मात्मज ने एक आर्टिकल लिखा कल और उस पर बहुत गंदे तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया है और वो वही वर्ग है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बन के आए हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी माने बैठे हैं। तो बंबई में जिस तरह के लोग हैं वही मुझे लगता है कि देश के बाकी हिस्सों में है और वो सारे लोग विपक्ष को तो पसंद करते हैं लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है, एक है। और जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, कांग्रेस जैसे पाठक साहब ने कहा कि वो अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उसके अपने अंतर विरोध अंतरकलह इतने भयंकर है कि वो क्या करेगा। और मैं एक और मुझे बड़ी उम्मीद जगी थी, हालांकि है उम्मीद इस बात से कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने कैंपेन को चलाया, भले उसमें सफलता नहीं मिली, उसकी वजह यह रही कि संगठन उसके पास नहीं है, उसकी वजह यह है कि हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह चलता रहता है और जहां कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाती है, जाति की पार्टी या धर्म की पार्टी के तौर पर तो कांग्रेस को आप देखते नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी एक जाति की पार्टी मानी जाती है और मुसलमानों को भी था कि कांग्रेस में तो दम नहीं है या उसके उसके संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ चले। लेकिन ये जो विपक्षी एकता की जब बात करते हैं तो रीजनल पार्टी जो नॉन हिंदी प्रदेश में है उनके भरोसे जो है सरकार बनाना केंद्र में आसान काम नहीं है। और
जो नितिन गडकरी साहब जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत कांग्रेस का जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल।